नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर सुजीत और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ यहां पे शेयर करने वाला हूं एक 4 BHK की हाउस प्लान। और ये जो प्लान की साइज है वो है 36 फीट बाय 44 फीट, 36 फीट × 44 फीट। काफ़ी बढ़िया प्लान हमने यहाँ पे आज ये डिज़ाइन किया है। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे ये 4 BHK की प्लान रेडी है। और जैसे कि मैंने बताया, ये नॉर्थ फेसिंग हाउस प्लान है। जो प्लान की साइज है वो 36 फीट बाय 44 फीट। ये हमारी फ्रंट साइड है नॉर्थ फेस में। अब देखते हैं कौन सा यूनिट हमने कहाँ पे प्रोवाइड किया है। सामने ये है कार पार्किंग, उसके बाद यहाँ पे ये मेन एंट्रेंस डोर रहेगा, ये एंट्रेंस स्टेप्स है, ये पूरा पैसेज है। उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे हमने लिविंग रूम का प्रोविजन किया है। ईस्ट फेस में हमने यहाँ पे किचन कम डाइनिंग प्रोवाइड किया है। यहाँ पे किचन के सामने वेस्ट फेस में हमने कॉमन टॉयलेट बाथ प्रोवाइड किया है। उसके बाद यहाँ पे वेस्ट फेस में हमारा ये मास्टर बेड है या फिर बेड वन, उसके लिए यहाँ पे ये अटैच्ड टॉयलेट बाथ है। उसके सामने यहाँ पे ईस्ट फेस में बेड टू है। उसके बाद यहाँ पे साउथ ईस्ट कॉर्नर पे हमारा बेड थ्री है। यहाँ पे साउथ फेस में हमने स्टेयरकेस ब्लॉक प्रोवाइड किया है। और यहाँ पे साउथ वेस्ट कॉर्नर पे हमारा फोर्थ बेडरूम है। तो इस तरीके से ये पूरी यहाँ पे हमने प्लानिंग की। अब देखते हैं हर एक यूनिट की डिमेंशन। तो पार्किंग की डिमेंशन है 10 फीट बाय 14 फीट 9 इंच। यहाँ पे ये एंट्रेंस स्टेप्स है, तो इसकी जो लंबाई है ये 6 फीट है। यहाँ पे मतलब पैसेज की जो विड्थ है ये भी 6 फीट ही आएगी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये लिविंग रूम, उसकी साइज है 12 फीट बाय 13 फीट 6 इंच। किचन कम डाइनिंग 11 फीट बाय 13 फीट 6 इंच। लिविंग रूम और किचन मतलब इजीली एक्सेसिबल है, प्लस ये कॉमन टॉयलेट बाथ भी इजीली एक्सेसिबल है। कॉमन टॉयलेट बाथ की साइज है यहाँ पे 4 फीट बाय 7 फीट। उसके बाद ये पैसेज, यहाँ पे ये मास्टर बेड, मास्टर बेड की साइज है यहाँ पे 10 फीट बाय 13 फीट 6 इंच। और अटैच टॉयलेट बाथ यहाँ पे 4 फीट बाय 7 फीट 6 इंच। एक्चुअली में कॉमन टॉयलेट बाथ भी 7 फीट 6 इंच है इसकी लंबाई। मास्टर बेड की यहाँ पे साइज 10 फीट 6 इंच है एक्चुअल में, ये भी 10 फीट 6 इंच है। इसमें जो एक्सटर्नल ब्रिकवर्क है तो उसकी थिकनेस मैंने यहाँ पे 9 इंच कंसिडर की है।
मतलब एक्सटर्नल ब्रिक वर्क और प्लस ये जो स्टेयरकेस का ब्रिक वर्क आएगा तो उसकी थिकनेस 9 इंच है, और जो इंटरनल ब्रिक वर्क है उसकी थिकनेस 6 इंच है। तो फ्रेंड्स आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक बढ़िया प्लान के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।